हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है, करंट नहीं, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि रेजिस्टिविटी बताइए। ओके, तो इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की चार्ट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 10^19 दिया था और मोबाइलिटी दिया था उन्होंने 1.6। तो पूछा रेजिस्टिविटी बताइए और होल का कंसेप्शन उन्होंने नेगलेक्ट कर लिया था। हमें पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1/NE(μ), जहाँ म्यू मोबाइलिटी है। तो वैल्यू प्लेस करिए तो 1/N, एन की वैल्यू 10^19 उन्होंने दे रखा था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10^-19 प्लेस करेंगे और मोबाइलिटी 1.6 दिया था, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.4 ohm meter। तो दिस इज आंसर ऑफ 22 क्वेश्चन। इसके बाद 23rd क्वेश्चन, ये वेव स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन है। तो कहा गया था एक कार है जिसमें एक रस्सी लटकी हुई है, कह रहा है कि अगर उसमें ट्रांसवर्स वेव की स्पीड 60 meter per second है तो जब वो कार एक्सेलरेट होना शुरू करता है तो उसमें स्पीड 60.5 हो जाता है, तो बताइए उस कार का एक्सेलरेशन कितना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जी इफेक्टिव का हेल्प लेना है। ओके, तो लिखेंगे 60 इक्वल्स टू, याद है फॉर्मूला होता है √T/μ और टी होगा mg के बराबर, क्योंकि अगर कार में आप स्ट्रिंग बना दें और ब्लॉक यहाँ पर रख दें तो टेंशन टी और mg आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो क्या लिखेंगे T/μ, तो टी जगह पे mg/μ, क्वेश्चन नंबर 1। फिर अगला हो गया 60.5, जब कार एक्सेलरेट किया तो जब एक्सेलरेट करेगा तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, √A² + Z², तो इसको लिखेंगे मास m इंटू जी के जगह पे √A² + Z² / μ। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 60.5 / 60, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बनेगा √A² + Z² और इस g को नीचे लाइए तो g का स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 + 0.5/60, और इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 + A² / G² / 1/4, क्योंकि 0.5 60 से बहुत ही कम है तो ये a भी 60 से बहुत कम, g से बहुत कम होगा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे तो बनेगा 0.5/60 इक्वल्स टू 1 + A² / 4 G² तो 1 से 1 कट जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 4 का टर्म 2 बनाएगा और 30 आ जाएगा, तो a की जो वैल्यू आएगी दिस वन इज G/30, क्योंकि 4 × 2 = 30 √, तो आंसर आ जाएगा G/√30 और ये ऑप्शन में पढ़ा था, मार्क करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, तो 23 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 डिस्कस करेंगे।